अरे वाह वाह वाह, बढ़िया था। कितनी ज्यादा ट्रैफिक है रे आज। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं शशांक कुमार और आप देख रहे हैं राइडर रेडियो स्टेशन। तो काफी दिनों बाद जो हम फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफी दिनों का ब्रेक हो गया था, लगभग एक 3-4 वीक्स हो गए वीडियो डाले हुए। तो अभी जो है हम एक संडे राइड पे जा रहे हैं, तो एक इसको एक लेट एंड लेजी संडे राइड बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10 नाउ और अभी हमने जो है ये राइड को स्टार्ट किया है। तो मेरे साथ है मेरी दीदी, तो इनको आपने तिरुपति वाले राइड में देखा होगा। काफ़ी दिनों से हम घर पे ही बैठे थे तो सोचा कि बाहर चले जाएं, तो अगर लेट भी हुआ तो हमने जो है ये राइड को स्टार्ट किया। तो यहाँ से हम जो है श्री रंगनायक का रिजर्वायर जो है जा रहे हैं, यहाँ पे सिद्धिपेट में है वो। तो वो हमारे घर से कुछ लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स का जो है राइड है ये। तो बिना किसी देरी के, अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो बिना किसी देरी के ये जो राइड को स्टार्ट करते हैं। तो बाकी जो बातें हम मैं आपसे गोप्रो पे करता हूँ, ठीक है। तो वो है आउटर रिंग रोड और अभी हम सर्विस रोड पे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कीसरा का सर्विस रोड है। ओ ओ ओ, देखो याद है दी, यहाँ पे हमने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, माटे भी नहीं दूंगा, यहीं पे रिकॉर्ड किया। अगर 12 नून पे क्या होता है, एकदम सेंटर पे आती है लाइट है, और यहाँ पे फोटोज लेते हैं लोग। इसलिए बनाए क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं बनाया उसके लिए। एग्जैक्टली ऐसा स्पॉटलाइट जैसा आता है। अगर तू ऐसे कुछ बाइक्स या कुछ लेके आई है तो एक अच्छा ड्रामेटिक फोटो आता है वहां से। रिटर्न में चलाना, ठीक है। हाँ, बहुत खाली खाली रहता है। मैं बताना भूल गया, मतलब मेरी बहन जो है, मेरी दीदी जो है, वो गाड़ी सीख रही है, मतलब तो उसने अभी बुलेट भी चलाना स्टार्ट किया है अब रिसेंटली। तो वही मैं बता रहा था कि रिटर्न में जो है वो चलाएगी बोल के। तो एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली संडे राइड्स जो है बहुत ही अर्ली निकलते हैं सभी राइडर्स, अर्ली मॉर्निंग राइड होती है, बट ये एक लेजी संडे राइड हो गई हमारी, बिकॉज जो हमने 10 o'clock जो है स्टार्ट किया राइड, अभी ऑलरेडी 11 हो चुका है टाइम, और 85 किलोमीटर्स और भी बाकी है। तो गूगल मैप जो बता रहा है हमें 12:47 तक हम जो है वो प्लेस को रीच हो जाएंगे। और ये मेरे साथ, मतलब ये सेकंड राइड होने वाला है, मेरी बहन और मैं जो करने वाले हैं। वाटर टैंक के पीछे क्या लिखा है देख, वाटर इज प्रीशियस एवरी ड्रॉप काउंट्स, और ये पीछे जा रहे जो ड्रॉप्स उसका क्या। अभी कितना अच्छा पानी है देख रहे, शामिरपेट लेक पे मस्त है ना पानी। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है संडे के वजह से शायद। तो अभी जो है और 66 किलोमीटर्स बाकी है, स्टिल द टाइम इज सेम 12:47 जो हम रीच होने वाले हैं। तो अभी जो है ना हम थोड़े से स्नैक्स खरीद रहे हैं यहाँ पे। मेरी बहन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब उसको ऐसे राइड्स पे जाना, बाइक चलाना, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए वो हर समय आती है मेरे साथ। चलो ग्लव्स पहन लेते हैं। क्या है पता नहीं मेरे को, ये ग्लव्स मेरा पुराना फ़ोन था तब तो काम कर रहे थे, और जब तक मैंने इसको स्क्रीन गार्ड नहीं डलाया ना तब तक तो काम कर ही रहे थे। फिर जब से ये स्क्रीन गार्ड डलाया तब से ये इस पर टच काम नहीं कर रहा है यार, तो इसलिए पहले अगर उसको ऑपरेट करना है तो ये ग्लव्स पहनना नहीं होता, इसलिए निकालना पहनना क्या बोल के अंदर ही रखा था। अभी पहन लेते हैं। आज संडे है ना तो काफ़ी ज़्यादा राइडर्स जो रोड पर दिख रहे हैं। कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है रे आज, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक क्या रे आज बोल रहा हूँ। सब जा रहे हैं हमारे साथ ही प्लान बना ले सब लोग ने। सैटरडे के दिन सोना है सबको,
नींद पूरी करनी है। हाँ, संडे के दिन फिर बाद में याद आता है वीकेंड खत्म होने वाला है, कुछ करते हैं। हाँ, अभी जो हमने हाईवे से एक लेफ्ट लिया और यहाँ से ये जो रोड है ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ से करीब मतलब एग्जैक्टली जो है 4 किलोमीटर जो है रंगना का सागर रिजर्वायर है, तो चलते हैं। तो हमारा बैग जो है पूरा भर चुका है, इसमें फूड है, स्नैक्स है, फ्रूट्स है, सब कुछ हमने जो है भर दिया। अब वहाँ जाना है और चिल होना है। सो वी ऑल ऑलमोस्ट देयर, हम पहुँच भी चुके हैं। तो जो सामने दिख रहा है यही है रंगना का सागर रिजर्वायर। सो हियर वी गो। अब यहाँ से जो आपको वो दिख रहे हैं वो गेट जैसे, तो यही है यहाँ की एंट्री। और आप देख सकते हैं ये एक अच्छा सा रोड है, तो चलते हैं। वाह, अच्छा है ना। यहाँ पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, पहले हम एक अच्छे से स्पॉट ढूंढते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। पानी भी बहुत है, देख यहाँ पे हम उतर भी सकते हैं दीदी थोड़ा बहुत। सही है यार, अच्छा है। तो गाइस जैसे हमने देख सकते हैं यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी और यहाँ पे हमने जो है थोड़ा बहुत अपना पिकनिक का सेटअप कर लिया है। और ये बैग आधा खाली वो भी हो चुका है बिकॉज बाकी पेट पूजा तो हो चुकी है। अभी हम जो है लेक के पास जाते हैं और यहाँ से जो है पूरा सामान निकालते हैं। और अगर आप ऐसे प्लेस पर आए तो ध्यान रखिएगा कि आप इस प्लेस को गंदा ना करें, जो भी आपका जैसे रैपर्स हो गए कुछ भी हो गए अपने साथ कैरी करें, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से जाके लेक के पास जाते हैं और वहाँ पे मिलते हैं। पिकॉक पिकॉक यहाँ है मतलब बहुत सारे। ए पिकॉक, आप लोग भी देखना। हाँ, भाग रहा है चला गया। हम इतना आवाज करके आएंगे तो कैसे रहेगा। रुक जा रहता है उधर, वो कहीं ना जा पाए। ए पिकॉक देखो। अरे वाह बढ़िया था। क्या उड़ा ना रहे हो। बढ़िया था वो। मस्त चलो ने। अरे इतने मतलब कर ले बल्ला। काफी क्लीन वाटर है यहाँ पे और थोड़ी देर हम चिल होते हैं। यहाँ पे ऐसे स्टेप्स बनाए हुए हैं यहाँ पे बैठने के लिए, ये एक अच्छा किया है। यहाँ पे पानी में जाने नहीं देते ऐसे, एक्चुअली रिजर्वायर में नीट है, आप देख सकते हो। वो कॉर्नर भी बहुत अच्छा है अगर फोटोज निकालने के चाहिए तो भी। सभी लोग कैसा खेल रहे देखो। तो अभी हम आके भी 2 घंटे हो चुके हैं, अभी 3:17 हो रहा है, मतलब 3:20 हो रहा है। और कैसे जाने का मन ही नहीं कर रहा पानी देख के, तब से खेले जा रहे हैं हम लोग। पूरा उतरे नहीं हम लोग फिर भी। हाँ, यहाँ तो लोग उतर भी रहे, पूरा उतर भी रहे, स्विमिंग भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा पानी है, अच्छा है। मतलब अगर आप आउटफिट ला लेते हो तो कूद भी सकते हो। हमको नहीं लगा कि ऐसे कूदने जैसा होगा कुछ बोल के, नहीं तो हम भी कुछ ना कुछ प्रिपेयर होके आते थे। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और ज्यादा से ज्यादा और एक हाफ एन आवर रहेंगे यहाँ पे और
स्टार्ट हो जाएंगे फिर रिटर्न। वीकेंड पे टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, आ सकते हो आप अगर आप बहुत पूरे पानी हैदराबाद में रहते हो तो। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। क्या सीन है उस साइड दिखा रहे? तो ये कुछ है हमारे आगे सीन, पानी ही पानी और आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे स्विमिंग भी कर रहे हैं। सो काफ़ी देर हो चुका है, अभी 4 भी बज चुके हैं, तो जाने का टाइम आ चुका है। तो अब यहाँ से जो है हम स्टार्ट हो जाएंगे और जो अपनी रिटर्न जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे। बाकी प्लेस तो बहुत अच्छा है, अगर आप आना चाहते हो तो वीकेंड राइड्स पे आ सकते हो। तो पैकअप जो हो चुका है, अभी हम जो है रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग मिले तो मैं आपको गुरुपुरु पे बता दूंगा, ठीक है? So by this ride comes to an end. तो overall जो है ना बहुत अच्छा experience है आज का दिन का, और ऐसा लगा है कि एक अच्छा day spend किया हमने, और daily routine से थोड़ा हटके है। अगर आप वीकेंड में कहीं घूमना चाहते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीकेंड में आप घूमना चाहते हो तो इस प्लेस को थोड़ा कंसिडर करें। ये कुछ 90 से 100 किलोमीटर्स के बीच में आ जाता है आपको, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिद्दीपेट के पास में है ये। तो ये था श्री रंगनायका रिजर्वॉयर।